टेंशन में रहते हैं। बट कभी कभी हम लोग ऐसी कुछ सेटिंग्स चेंज कर देते हैं एंड्रॉयड में, जिससे हम लोग के बैटरी का यूजेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर बाद में हम लोग अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, बैटरी सेवर, ड्यू बैटरी सेवर और भी बहुत सारे ऐप्स, बट क्या वो ऐप्स काम करते हैं? आप खुद से भी अपने फ़ोन की बैटरी को और भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। वेल, आप लोग समझ ही होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। शाश्वत, आप देख रहे हैं टेक फाइबर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कूल ट्रिक्स और हैक्स जो आपको अपने फ़ोन में ट्राई आउट करने चाहिए बेटर बैटरी लाइफ के लिए। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, उसके पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ एक बहुत सारा प्यार वाला हैप्पी न्यू ईयर। सो न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाए, यही मेरी दुआ है आपके लिए। और चलते हैं अब वीडियोस के आगे, चलें। चीज़ जो हम लोगों ने अभी तक अपने फ़ोन में चालू करके रखी है वो है वाईफाई और ब्लूटूथ। आई एम श्योर अगर आप स्टेशन पे होंगे, अभी तो इधर मुंबई में तो स्टेशन पे वाईफाई लगे हुए हैं, सो आप लोग उनको यूज़ करके मेरी वीडियो देख रहे होंगे। बट अगर आप उस वाईफाई से दूर हट जाते हैं और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी वाईफाई चालू रहता है। और ब्लूटूथ की अगर बात करें तो अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ हेडसेट होगा तो फिर आप ज़रूर उसमें से गाना सुनते होंगे। बट कभी कभी आप हेडसेट को बंद करके साइड में रख देते हैं और काम करने के लगते हैं कुछ अपने फ़ोन में, सो फिर ब्लूटूथ चालू रह जाता है, उसकी वजह से बैटरी लाइफ और भी ज़्यादा कम होना चालू हो जाती है। सो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों को आप बंद करके रखिए जब भी यूज़ ना हो। और साथ ही साथ आपको अपने फ़ोन में ये वाली सेटिंग भी चेंज करनी चाहिए कि बैकग्राउंड में जो सर्च करने वाली, एक्चुअली वो आपको मिलेगी लोकेशन में, फिर 3-डॉट मेन्यू, फिर स्कैनिंग और बैकग्राउंड स्कैनिंग, ऐसे करके कुछ तो ऑप्शन रहेगा आपके फ़ोन में, और फिर उसको टैप करके वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग को बंद कर दीजिए। क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ आप जब बंद कर देते हैं तो भी ये सब चालू रहते हैं। एक तरीके से अगर आप उन दो ऑप्शंस को बंद कर देंगे तो बैटरी लाइफ बढ़ने का चांस है। आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन टाइम आउट टाइम कम रखनी चाहिए। वेल, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कितना यूज़ करता हूँ, सो मुझे लगता है कि आप लोग भी उतना ही यूज़ करते होंगे। एक्चुअली जो फ़ोन रहता है आपका, उसके अंदर स्क्रीन टाइम आउट वाला फीचर इसलिए लगाया गया कि कुछ सर्कमस्टांसेस में आप उसका स्क्रीन बढ़ा सकते हैं। अगर हैंग अप होना चालू हो जाता है, जैसे मेरा टैबलेट है वो हैंग अप होना चालू हो जाता है, तो फिर मैं उसको खोलते वक्त, जैसे मैं खोलता हूँ अपने आप लॉक हो जाता है स्क्रीन टाइम आउट कम होने की वजह से। वेल, लोअर डिवाइसेस में मैं आपको कहता हूँ कि आप उसका टाइम आउट 1 मिनट या फिर 2 मिनट रखिए, बट अगर आप आधा घंटा रखते हैं या फिर 15 मिनट रखते हैं तो फिर दैट इज़ नॉट फेयर। सो प्लीज़ आप अपने स्क्रीन टाइम आउट को मिनिमम 30 सेकेंड्स पे तो रखिए, जिससे आपके फ़ोन का जितना भी बैटरी रहेगी वो सेव होना चालू हो जाएगी और आपको कुछ ना कुछ चेंज तो मिलेगा ही। सो या गाइस, इसको तो पक्का आप ट्राई कीजिए अपने फ़ोन में। आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर लीजिए। मुझे पता है कि कुछ ऐसे ऐप्स रहते हैं जिन वीडियो प्लेयर्स रहते हैं जो अपने आप स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल एमएक्स प्लेयर में हम लोग जितनी भी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती हम लोग के फ़ोन के साथ। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उस ब्राइटनेस को कम करके देखिए और तब फर्क देखिए कि आप हाई ब्राइटनेस पे जितना आपने रखा था तब बैटरी ज़्यादा चलती थी, या फिर लो ब्राइटनेस पर रखा था तो बैटरी ज़्यादा चलती है। अगर आपका फ़ोन ऑटो ब्राइटनेस सेंसर पे काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। वेल, सेंसर आपको दोनों के बीच का ही प्रोवाइड करती है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना देख सकें उतना लो ब्राइटनेस आप रखिए, ज़्यादा लो मत रखिएगा वरना आपकी आइज डैमेज हो सकती है, जबरदस्ती ऐसे जुए मारने वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसी को आप ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए।
अपने फ़ोन में जो भी मीन्स बैकग्राउंड ऐप्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंट की अपनी दवाई तो मल्टीटास्किंग ट्रे आ गई, उस पर आपको ऐप्स मिल जाते हैं, आपने यूसी ब्राउज़र खोला या फिर ओपरा मिनी खोला, कोई जितने भी ऐप्स खोले लेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लेनोवो के फ़ोन में ओवरव्यू करके होगा, बाकी सारे फ़ोन्स में रिसेंट्स होगा। वैसे रिसेंट ऐप्स जो भी हैं तो फिर वो आपको दिखाई देते हैं, और एंड्रॉयड में तो खेलने का हम लोग को मज़ा आता है, तो हम लोग उन ऐप्स को स्विश 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 कर देते हैं। स्विश स्विश करने का मतलब ये है कि आपने उन सबको किल कर दिया है, और फिर बाद में जो भी आप वापस ऐप खोलते हैं वो वापस स्टार्ट होता है, और फिर बाद में उतनी ही बैटरी को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, किस चीज़ का एग्जाम्पल लूँ, जीमेल का। जीमेल अगर मैंने खोल के रखा है और मैंने बाकी सारे ऐप्स खोले, मैंने सबको स्विश स्विश कर दिया, जीमेल का जो भी प्रोसेस था बैकग्राउंड में वो किल हो जाता है। रैम फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 GB है, उसके अंदर 75 MB ये खा रहा है, 75 MB ये खा रहा है तो ठीक है, और मैंने इसको हटा दिया। अब इसका जितना भी नामो निशान था रैम में से वो सब तो हट गया, जीमेल बंद। फिर बाद में आप उसको वापस खोल रहे हैं, प्रोसेसर के ऊपर भी लोड पड़ता है, साथ ही साथ आप मीन्स जितना भी बैटरी रहेगी उसके ऊपर भी लोड पड़ता है, क्योंकि आप वही ऐप को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। एंड्रॉयड को खुद पता है, इसलिए रैम मैनेजमेंट करके एक फीचर होता है हर एक फ़ोन में, कि आप कम से कम बहुत सारे ऐप्स खोल के रखिए, और एक ऐप से दूसरे ऐप्स में आप स्विच होते हैं, तो फिर रैम मैनेजमेंट का काम रहता है कि वो उस ऐप का एक एक अच्छे से रैम डिस्ट्रीब्यूट करे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, या तो आप ऐसा फ़ोन लीजिए कि जिसके अंदर रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। वैसे रैम मैनेजमेंट तो हमेशा मोटरोला में अच्छा रहता है, और जो भी बैटरी रहती है वो मोटो E4 अभी बहुत अच्छा आया था, उसके अंदर भी बहुत अच्छी बैटरी है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग उस ऐप्स में स्विश स्विश मत कीजिए, खेलना है तो खेल लीजिए, नहीं तो स्विश स्विश करने से आपका जितना भी बैकग्राउंड ऐप्स रहेगा वो सब बंद हो जाएगा, और बैटरी प्रोसेसर और रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आएगा। प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान में रखिए, और फिर बाद में इन सबको स्विश स्विश करिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ उन एप्स के बारे में जो आप लोग यूज करते होंगे बैटरी को सेव करने के लिए। मुझे पता है आप लोगों के फोन में ड्यू बैटरी सेवर, नहीं तो सीएम का एक बैटरी डॉक्टर करके ऐप होगा, या फिर कोई ऐप 360 डिग्री वाला, कोई तो है ना 360, वो वाले ऐप्स होंगे। बट क्या ये असली में काम करते हैं? काम करते होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये असलियत में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अभी ऐप चालू किया, ठीक है, ऐप को आपने बंद करके रख दिया, फिर बाद में आपको वो नोटिफिकेशन देता है कि ये वाला ऐप बहुत ज़्यादा पीछे रैम कंज्यूम कर रहा है, इसकी वजह से उसको बंद कर दीजिए। आपने बंद भी कर दिया और आपका सारा का सारा डेटा चला गया। वहीं पे एंड्रॉयड जो इंटेलिजेंट रहता है बहुत ज़्यादा, वो क्या करता है, आपका फ़ोन बंद है, आपको बिना नोटिफिकेशन दिए उसको वो पॉज कर देता है, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो बंद हो गया था, बट आपका जितना भी डेटा रहता है वो सब वापस आ जाता है, जो भी आपने पेज खोला होगा या फिर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी वो सब कुछ वापस आ जाती है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप सबको कि ऐसे ऐप्स को आप प्लीज़ निकाल दीजिए, और ऐसे ऐप्स का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये ऐप्स बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, और क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ये सब एड से भरे रहते हैं, बेकार बेकार वाले। प्लीज़ इन ऐप्स को निकाल दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा। हम लोग अगर नया फोन लेते हैं और पुराना फोन का हम लोग के पास चार्जर है, तो हम लोग उसको वापस लगा देते हैं और फोन वापस स्लो काम करना चालू कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर उनके पास पुराना फोन होगा उसके एक्सेसरीज जितने भी रहेंगे वो अपने साथ रख लेते हैं, और फोन पता नहीं इधर उधर कहीं तो हो जाता है। साथ ही साथ जब भी वो नया फोन लेते हैं तो उसका कोई सप्लाइड चार्जर या फिर एक्सेसरी यूज नहीं करते, और जो पुराना फोन रहेगा उसका एक्सेसरी वक्सेसरी सब कुछ यूज़ करते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को जो भी बॉक्स में मिलता है फ़ोन के साथ उन्हीं को आप यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा फ़ोन है लेनोवो का K8 Note, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और उसी जगह पे मेरा टैबलेट है लेनोवो टैब 2 A710F, उसके अंदर मुझे स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करती है 5 वोल्ट एट 2 एम्प्स, और इसके अंदर मुझे 12 12 वोल्ट एट
कुछ तो एम्स है, 5 या फिर 7 ऐसे कुछ तो एम्स का मुझे चार्जर मिला है। सो फास्ट चार्जिंग के लिए मैं इस चार्जर्स को यूज़ करता हूँ। जब मैं इसके सप्लाइड वाले चार्जर को यूज़ करता हूँ तो बैटरी लाइफ ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ चार्जिंग में टाइम भी कम लगता है। और दूसरी जगह अगर मैं अपना नॉर्मल टैबलेट वाला चार्जर यूज़ करूँगा तो फिर आपको तो पता ही है, स्लो चार्जर स्लो फ़ोन। तो स्लो चार्जर मैंने लगा दिया तो फिर मेरा फ़ोन स्लो हो गया, क्योंकि अच्छे से मींस चार्ज होने के लिए जैसे उसको सेट किया गया था वैसे चार्ज नहीं हो पा रहा। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी आउट ऑफ द बॉक्स मिले तो फिर उसी को यूज़ कीजिए, नहीं तो बैटरी से मरेंगे, बैटरी से मारे जाएंगे। सो मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन में जितना जब भी आप फ़ोन खरीदते हैं उसमें बॉक्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स रहते हैं उन सबको यूज़ कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है वारंटी पीरियड के अंदर तो आप चेंज करा सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ उसके साथ तो अच्छी वारंटी मिली है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। फ्रेंड्स ये है ट्रिक, हम लोग अक्सर फोन को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उसको दबा देते हैं या फिर नॉन वेंटिलेटेड प्लेस पे रखते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं अपने भाई से बचाने के लिए अपने फोन को अक्सर ब्लैंकेट के नीचे या फिर कहीं और छुपा देता हूँ। सो जब भी मैं उसको बाहर निकालता तो वो हीट अप बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा। फोन्स को ऐसा एनवायरमेंट चाहिए कि वो वेंटिलेटेड प्लेस पे चार्ज हो, साथ ही साथ वेंटिलेटेड प्लेस पे डिस्चार्ज हो। अगर आपको ही कोई अगर जबरदस्ती ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है और आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए दे दिया तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम तक टिकेंगे, मीन्स फाइनली तो डेथ होगी ना। सो वैसे ही फोन्स भी रहते हैं। फोन्स को आप अगर कहीं ऐसे नॉन वेंटिलेटेड प्लेस पे अगर चार्ज करें या फिर उसको यूज़ करें तो फिर थोड़ा बहुत फोन्स को अनईजी फील हो सकता है। साथ ही साथ फोन्स की बैटरी जितनी भी रहती है वो सब ड्रेन होना ज़्यादा चालू हो जाती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से चार्ज नहीं मिला या फिर डिस्चार्ज वो अच्छे से हो नहीं पा रही। और अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो सब अच्छे से अंदर से काम करते रहते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह पे अपने फ़ोन्स को चार्जिंग पे लगाइए जहाँ पे हवा बहुत हो, ज़्यादा हवा नहीं, वेंटिलेटेड प्लेस हो। जैसे कि अभी मेरा रूम, सो यहाँ पे मुझे अच्छे से ऑक्सीजन लेने के लिए मिल रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज़ वैसा कीजिए। एक वीडियो की आपको ऐसे ट्रिक्स या फिर हैक्स यूज करने चाहिए अपने फोन की बैटरी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, नीचे कमेंट कीजिएगा अपने क्वेश्चंस, वैसे आप में से कोई भी नहीं करता है कमेंट, और साथ ही साथ कीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कि उन लोग को भी पता चले कि बैटरी का जो मिथ आजकल घूम रहा है, एप्स इंस्टॉल करो बैटरी लाइफ दुगनी पाओ, सो वो वाला मिथ भी मिट जाए। सो या गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल का रेड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ साइड में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को मैं पहले ख़त्म करने से पहले आप लोगों को वापस विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और ये एक न्यू सीरीज थी अवेयरनेस करके, सो अगर आपको ये अवेयरनेस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको फैलाइए, और साथ ही साथ उन सबको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो या गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलूंगा अपने नए वीडियो में। थैंक्स एंड बाय।